विधानसभा बिलाईगढ़ के अंतर्गत भटगांव नगर में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में आज कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया एवं प्रेम साय सिंह टेकाम सम्मिलित होकर बीजेपी के कुशासन को गिनाते हुए केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प दिलाए। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भटगांव नगर में आज विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नगर प्रशासन विकास एवं श्रम तथा बालोदा बाजार के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया एवं शिक्षा मंत्री तथा जांजगीर चांपा जिला प्रभारी मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम सम्मिलित हुए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी शासन काल में बस्तर से लेकर सरगुजा तक अराजकता का माहौल था। प्रदेश में बीजेपी के लबरा सरकार और कमीशनखोरी का राज चल रहा था। अंतागढ़ टेप कांड, नान घोटाला, पनामा घोटाला आदि घोटाला, कई प्रदेश के संसाधनों को लूट लूट कर जेब भरने का काम रमन एवं उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया। वहीं प्रेम साय सिंह टेकाम ने केंद्र के वादा खिलाफी एवं भाजपा को जुमलेबाज पार्टी बताते हुए कहा कि मोदी मन की बात तो करते हैं लेकिन किसी के मन की बात सुनते नहीं है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताते हुए केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में लगभग 5,000 कार्यकर्ता गण पूरे जोश खरोश के साथ उपस्थित रहे। हमारे प्रदेश के सबसे पुराना मंत्री, हमारे देश के आदिवासी नेता जो मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी मंत्री हैं और कई सारे विभाग ने देखा थे, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, हमारे जांजगीर चांपा के जिला के प्रभारी मंत्री भी हमें बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सेक्टर लेवल के कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से काम किया और विदेश भी मिला उसका सारा श्रेय जो मन से बैठे उनको नहीं, सब आम कार्यक्रम आप सबको उसके लिए आप सबको सभी कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई। चुनाव में अगर कार्यकर्ता मन लगाकर काम करेगा, अच्छे से काम करेगा तो विजय निश्चित। और इस कार्यक्रम में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भाई भरद्वाज जी को आपको अपना चुनाव समय बिताना है, अपना चुनाव समय के लड़ना है, क्योंकि भरद्वाज जी अभी भरद्वाज जी हमारा भतीजा सब जगह नहीं कर सकता। 8 विधानसभा, 1 विधानसभा में कितने पोली, अभी हम लोग आ रहे हैं कंट्रोल से बस 400 पोली, तो 8 विधानसभा में कितने पोलिंग होंगे, तो हर पोलिंग में लोकसभा का प्रत्याशी नहीं पाए, तो आप लोग भी भरद्वाजी बन जाइए, आप भी सांसद बन जाइए और आप अपना चुनाव समझ के कि चुनाव को लड़ना है तब आपको विजय से हासिल करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने छल कपट और मायावी होते हैं कि उनका छल कपट को समझना बड़ा मुश्किल होता है। कभी राम के नाम भी आएंगे, कभी आदिवासियों को घर शिकायत देने के नाम भी आएंगे, कभी विभिन्न प्रकार के लोग आएंगे और कहीं कुछ भी करना कि किसानों का के साथ धोखा दिए, आदिवासियों के साथ धोखा दिए, आम जनता के साथ धोखा दिए, ये धोखेबाजों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो बात कहती है उस बात को पूरा करती है। अभी आप देख लीजिए, चाहे किसानों की कर्जा माफी की बात हो, 2500 रुपया धान की कीमत देने की बात हो, 35 किलो चावल देने की बात हो, और वन क्षेत्र में रहने वाले भाइयों बहनों के लिए तेंदू पत्ता तोड़ने वाले हमारे भाइयों को 400 रुपया प्रति सैकड़ा के हिसाब से तेंदू पत्ता की मंजूरी दी जाए। ये पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य है जहां 400 रुपया प्रति सैकड़ा के हिसाब से तेंदू पत्ता की कीमत आपको दी जाएगी और बनोपज के 15 बनोपज इनका मूल्य सरकार तय करेगी वो भी आपको मिलेगा। बंस हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी ने दिल्ली में सरकार थी तो वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वन अधिकार कानून, अब सुनाऊंगा वन अधिकार कानून 2006
जो लागू किया गया था उसके तहत ये प्रावधान है कि 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर वन क्षेत्र में किसी का कार्मिक है तो वो उसको वन अधिकार पट्टा उसको वन अधिकार पर उनको दिया जाएगा आदिवासियों के लिए जो 13 दिसंबर 2005 से पहले के कार्मिक है। लेकिन जो क्षेत्र में वहां वन क्षेत्र होने के कारण छोटे घर जंगल होने के कारण अगर वहां स्कूल नहीं बन पाता है, वहां रोड नहीं बन पाता है, वहां खेल का मैदान नहीं बन पाता है तो उसके लिए उसमें प्रावधान है कि उसको दिया जाएगा साथ ही साथ सामूहिक वन अधिकार पर जो क्षेत्र में आप जहां वन के क्षेत्र वहां पड़ता है उनको भी सामूहिक वन अधिकार पर दिया जाएगा। उसमें पूर्ववर्ती सरकार ने जितना काम तेजी से करना चाहिए था उतना नहीं किया बल्कि उन्हें एक भ्रम स्थिति पैदा कर दी कि केवल आदिवासियों के लिए कोई कानून लाया गया है, कुछ अनुसूचित जाति के लोग भी रहते हैं, पिछड़े वर्ग के भी लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, लेकिन उनको तीन पीढ़ी का और 75 साल का उसमें प्रावधान किया गया। ऐसा नहीं किया गया, समझने में उनको समझाने में उनको उन्होंने जो गलती की उसमें ये साफ सीखा हुआ है कि उस क्षेत्र में उस गांव में कोई समान वर्ग का पिछड़ा वर्ग का और उसे परंपरागत बल क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं अगर तीन पीढ़ी से उस गांव में अगर निवास कर रहे हैं और 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर शादी है तो उनको भी अधिकार पत्र पात्रता उसकी होगी। ऐसा प्रावधान है और कांग्रेस वाली छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की जो सरकार हम लोग ने तय किया है कम्युनिटी करके किसको पूछा फिर से उसकी जांच करेंगे और जो पात्र होगा उसको देने की उन्हें पूरी व्यवस्था करेंगे जिससे कि उस क्षेत्र में जो खेती बाड़ी करते हैं वो जंगल के जो सिपाही दरोगा है उनके धर्मोक्रम द्वारा खेती करें बल्कि उनको जो अधिकार है उन अधिकारों को उनको मिलना चाहिए। ये हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार करने जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों के हित की बात किया, आदिवासियों दूसरे वर्ग के हित की बात किया, अनुसूचित जाति के हित की बात किया और इतना दिन तक आज करने का कारण है कि सबको कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चले, किसी भी धर्म से बताए के लोग हो किसी भी वर्ग के लोग हो अगर जो पार्टी सबको साथ लेकर चलेगा वही लंबे समय तक काम करेगा और कांग्रेस पार्टी जिस तरह व्यवहार किया है उसके पीछे कोई आदत रहा हो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है। सब धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी हमारे कांग्रेस पार्टी है लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी केवल जुगलेबाज करके लोगों को बहकाने में लगे राज्य अपना नाम गए लोग लगा करते हैं और आप लोगों से वोट खिलने की बात करते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे दिल्ली में बैठे हुए मन की बात तो करते हैं, मन की बात वो रेडियो में करेंगे, मन की बात वो सोशल मीडिया में करेंगे, आप अपने मन की बात करते हैं लेकिन आप किसके साथ मन की बात करते हैं? जो घर में परिवार होगा, घर में कोई भाई होगा, घर में पत्नी होगी, घर में और भी होंगे उनसे मन की बात करेंगे चाहिए कि सुनने के काम होना चाहिए। और मोदी जी जो चौकीदार हैं वो केवल रेडियो के मन की बात करते हैं लेकिन किसी मन की तो किसी के मन की बात को सुनते नहीं है, तो केवल अपने मन की बात करते हैं। और उन्होंने आपने देखा होगा कितने लोग एक उपदेश हैं बुजुर्ग का सम्मान करते हैं, कितने बुजुर्ग का सम्मान करते हैं, इनके नेताओं का जो हक होता है आप देख रहे होंगे किस प्रकार से ये हास्य में ढके हुए जा रहे हैं। तो मोदी जी भी कोलकाताओं ने कहा ये कहा कि मुझे प्रधानमंत्री मत बनाए, मुझे इस देश का चौकीदार बनाए। तो साथियों चौकीदार को मानता है बड़े 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 करोड़पति बड़े बड़े आरोपी, कोई किसान कोई गांव का कोई चौकीदार नहीं है, वो तो अपना चौकीदारी खुद करता है, खुद अपना रखवाली करता है, अपने खेत का रखवाली करता है, अपने धरती पर रखवाली करता है, अपने गांव का रखवाली करता है, अपने घर पर रखवाली करता है। तो ये चौकीदार जो बन गया ये बड़े बड़े जो उनके कारपोरेट सेक्टर के जो लोग हैं अदानी अंबानी ऐसे लोग केवल उनका चौकीदारी करके ये चौकीदार अपना बन गया और उनके चौकीदारी में पूरा देश का जो खजाना खाली करके मान्या नीरव मोदी ललित मोदी बख्शी ये सब लेके आपका आपका पैसा को लेके ये सब भाग गया। क्या कहा था उन्होंने कि धन 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 योजना खोलिए, धन धन योजना खोलने के समय पूरे दैनिक
अगर दूसरा मेरा कि हमको खोलना है, क्यों खोलना है भाई? लोगों ने कहा कि जनता खाता खोलोगे आपके खाते 15-15 लाख रुपए आएगा और आपको मालूम हो जाएगा। लोग इस भ्रम में आ गए और जनधन खाता में जितना भी पैसा था उसने खोला और आज जनधन खाता में क्या हुआ? जनधन खाता में किसी के पास पैसा है और जनधन का हिसाब देने वाले कौन है? आज जनधन खाता जो खोला गया था वो खुले में खुले बंद हो गए और वो जो पैसा आप जमा किए थे वो इनके इनके दो मित्र जो है मैथी हरीश मोदी विजय मालिया ये सब लेके यहाँ पे भागे तो कहाँ बात की थी विदेश से काला धन आएगा और आपके खाते में पैसा आएगा वो हमारे खाते में पैसा देगा। तो ऐसे एक चौकीदार से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर चौकीदार बदलना है तो कांग्रेस को वोट देना और कांग्रेस को वोट देंगे तो हमारा गरीब भरत माधव भतीजा यहाँ जीत के जाएगा और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी का हाथ मजबूत करेगा, प्रदेश में भूपेश बघेल का हाथ मजबूत करेगा। ये 60 दिन में कितना काम किया हमारे भूपेश बघेल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 11,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ कर दिया, 20,000 करोड़ का धान खरीदी जो 25 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से वो खरीदी किया गया, आपके 400 रुपया प्रति 100 सैकड़ा आपकी कहीं पत्ता का आपको खरीदी करेंगे मिलेगा। इतना काम किए आज किसानों के लिए कोई काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया और मोदी सरकार केवल जुमलाबाजी, न खाता आया न पैसा आया, अभी घूमना पकड़ाने का उपयोग क्या कर रहा है कि हम किसानों के खाते में 600 रुपया प्रति सैकड़ खरीदी एक साल में हम जमा करेंगे, 6,000 रुपया एक साल में किसानों के खेत आपके खाता में जमा करेंगे। अगर उसका हिसाब किताब लगाएंगे तो 3 रुपए प्रति दिन, अब 3 रुपए में कुछ मिलता है आपके 5 में मिलेगा। और हमारे राहुल गांधी दिल्ली पर अभी रायपुर में आए थे और उन्होंने कहा कि अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम कर्जा माफ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे और सब किसानों के लिए 25 रुपए। तो वो करके दिखा दिया। और मैं एक बात और कहा, इस देश में मिनिमम इनकम की गारंटी होना चाहिए, किसी भी लोगों के जो गरीब लोग हैं उनका कम से कम कितना इनकम होना चाहिए उसकी गारंटी भी होना चाहिए। जैसे रोजगार गारंटी हमारा कानून बना, शिक्षा के अधिकार का हमारा कानून बना, खाद्य का अधिकार का हमारा कानून बना, वन अधिकार का हमारा कानून बना, वैसे कम से कम मिनिमम इनकम के लिए एक कानून बनेगा उसके तहत 72,000 रुपया प्रति साल 600 रुपया प्रति महीने आपके खाते में आए। ये हमारे कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी का जोर है, ऐसे ही जोर हमारे कांग्रेस पार्टी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी इस देश को हयात की, इस देश को हयात करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी और भगवान भूपेश बघेल जी ने अभी नया नारा भी दिया है कि नरवा गरवा धुरवा पारी ये छत्तीसगढ़ की कहानी इसको बचा के रखना है। चलवानी कितने हमारे जिंदगी नाने हैं सबसे पानी को बचा के रखना है, थोड़े थोड़े बाल बनाना है, वाटर रिचार्ज करना है, उसमें आपके हैंडपंप में पानी आएगा, आपके कुएं में पानी आएगा, तालाब में पानी आएगा, गाय गरुआ इसकी रक्षा करना है, अच्छी नस्ल की गाय एक बाकी आपका हर पंचायत में एक स्थान बनेगा उसमें आपको रखा जाएगा, इसमें हमारे 90 खाद बनेंगे, अच्छे खाद उसमें तैयार किया जाएगा, खेतों में अच्छा उपज होगी और भारी विकास होगा आपके भारी विकास। तो इस संबंध में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस अंग्रेज को आप लोगों ने यहाँ से हटा के और आजादी चुपाई कांग्रेस पार्टी ने, उस देश के पार्लियामेंट में हमारे भूपेश बघेल जी मई के महीने में जाएंगे और यहाँ के नरवा घुरवा और घरवा बारी के बारे में यहाँ के आदिवासियों की जो जमीन वापसी हुई इसके बारे में लंदन के पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में वहां भाषण देंगे इस बारे में। तो जब वहां भाषण देते होंगे तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का छाती कितना चौड़ा होगा ये हमारे गर्व की बात है। ये 46 का छाती वाला किसानों के लिए मन की बात करता है लेकिन किसी के मन की बात में सुनता नहीं। तो आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि आप जो आने वाले 23 तारीख पंजाब
छाता छात मटर लगाकर हमारे रवि भारद्वाज के हाथ को मजबूत कीजिए, भूपेश बघेल के हाथ पर को मजबूत कीजिए, राहुल गांधी के हाथ पर मजबूत कीजिए और कांग्रेस का सरकार बनाइए। कांग्रेस का सरकार बनने के बाद आपकी और जो दिक्कतें हैं और जो परेशानी है उससे हम दूर करेंगे। आप सबने हम लोग की बात को सुना, यहाँ बहुत से लोग हमारे आए हैं और पार्लियामेंट में जो जीत होगी उसका सारा श्रेय कोई नेता को नहीं मिलेगा, सारा श्रेय अगर मिलेगा तो कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता और ये गोविंद बुद्ध के कार्यकर्ता उनके हाथ में चेहरा बनेगा, क्योंकि गोविंद बुद्ध का जो कार्यकर्ता हो वो सबसे बड़ा नेता होता है। अगर किसी का क्षेत्र में अगर विजय अगर हुआ तो उसका श्रेय गोविंद बुद्ध के कार्यकर्ता को, अगर कहीं मुद्दा पड़ गया, अगर कहीं पार्टी कहीं किसी गोविंद अगर हाथी है तो सबसे ज्यादा पड़ाटा कहां पर घटता है वो हमारे कांग्रेस के पुलिंग बुद्ध के कार्यकर्ताओं की। तो सबसे बड़ा जो नेता हमारा है वो पुलिंग बुद्ध, सबसे तय कर लें कि हमारा बूथ सबसे मजबूत अभी से हमको देखना है, बगल के बूथ में क्या हो रहा है, बगल के क्षेत्र में क्या हो रहा है आपको नहीं देखना हो वो वहां देखेगा, लेकिन आप अपने बूथ को अगर जिताएंगे तो पार्लियामेंट जीतेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हम। अभी आज माननीय मंत्री जी के साथ करडोल विधानसभा में और आज अभी लायगढ़ विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आप देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से कुशासन 15 साल में किया था उनको हटाया गया है, उसी तरह नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलकर सरकार बनाई थी, 15 लाख सबके खाते में लाऊंगा और विदेशों से कालो कर लाऊंगा, 15 लाख सबके खाते में डलाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, वो भी नहीं हो पाया। तब छत्तीसगढ़ की जनता ये ठान चुकी है कि छत्तीसगढ़ में भाई भूपेश बघेल जी की सरकार जिस तरह बनाई उसी तरह केंद्र में राहुल गांधी जी की सरकार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने ठान लिया है और हम छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जीतेंगे। अगली बार की तरह जैसे विधानसभा चुनाव में विरोध और लोकसभा चुनाव में इसका कोई असर देखने को शुरू करेगा? नहीं, कहीं देखिए लोग जितना विरोध करते हैं कांग्रेस उतनी मजबूती से ताकत से खड़ी होती है। अगली बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले समय कहा था कि हम 65 सीटें जीतेंगे, हमारे नेता पुनिया जी ने कहा था कि 25 सीटें कौन सी आ रहे हैं वो बता दो भैया, लेकिन उन लोगों ने जवाब ही नहीं दे पाया। और उन्होंने टारगेट 65 दिया था, उस टारगेट को हम लोगों ने पूरा किया, 68 सीटें लाए। उसी तरह उन लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतेंगे, टारगेट उन लोग दिए हैं पूरा हमारी कांग्रेस पार्टी का। विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस ही पक्षों में पार्टी किया था जिसमें बहुत सारी देखने को मिल रहा था, विरोध देखने को मिल रहा था, ये लोकसभा चुनाव में इसकी असर कहीं ना कहीं देखने को थोड़ी मिल रहा है? कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं है और हम पूरी बहुमत से जीत के आए। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.